राजस्थान ने तुष्टिकरण राजनीति में व्यस्त कांग्रेस सरकार जोधपुर निर्वाचन सभा में राजस्थान सरकार को टारगेट करते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी कहते कांग्रेस और दंगार सरकार दुई वर्ष तले जोधपुर में दंगा समान घटना होता उत्तर प्रदेश में हेले बुलडोजर मध्यम दंगाकारी को शिक्षा देते उत्तर प्रदेश सरकार किंतु एठारे निरवता अवलंबन कर राजस्थान सरकार मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि राजस्थान में किस प्रकार की दुर्व्यवस्था की स्थिति है। हरेक ओर लोगों में असुरक्षा का वातावरण, अराजकता, और ऐसे लगता है जैसे सरकार न होकर के कोई माफियागिरी पूरे राज्य के अंदर संचालित हो रही हो। भाइयों बहनों, पांच वर्ष राजस्थान के वास्तव में अगर राजस्थान के इतिहास को अगर आप देखेंगे, जिस राजस्थान का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, सौर पराक्रम के लिए, भक्ति और शक्ति के लिए, कलार अपनी कलाकृतियों के लिए, जिस राजस्थान की अपनी एक पहचान थी, आज वह राजस्थान करा रहा है एक वेदना है, और वह वेदना किसी और ने नहीं दी। यहां राजस्थान में पांच वर्ष पहले चुनी गई सरकार ही उस वेदना का कारण है। राजस्थान रतनगढ़ में बीजेपी प्रार्थी अभिनेश महर्षिंह प्रचार करते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रतनगढ़ में आयोजित जनसभा में संबोधित कर योगी कहते राजस्थान में कांग्रेस सरकार जनता को विश्वास हराई वीरभूमि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमार मुक्ति डबल इंजन सरकार आने को दावी करते अभिनेश महर्षिंह रतनगढ़वासी निकट में भोट भिक्षा कर राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जन विश्वास खो चुकी है। आज यहां पर अव्यवस्था है, अराजकता है, गुंडागिर्दी है, भ्रष्टाचार है। राजस्थान जो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए और अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जानी जाती है। आज उस राजस्थान की धरती, राजस्थान के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण करा रही है, पीड़ा में है। इस पीड़ा से उभारने के लिए डबल इंजन की सरकार विधानसभा चुनाव में आपका एक बार फिर से आह्वान करने के लिए आपके पास आई है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं एक और भारत, नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, आज हम सब जानते हैं, वहां पर पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करती है, उनका स्वागत करती है। ये स्वागत मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।